वाली गाड़ियाँ सेफ हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन ये जवाब गलत है। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं। पर कैसे, चलिए जानते हैं। आजकल लगभग सभी देशों की गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हम सबको लगता है कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरनमेंट को कम पल्यूट करती हैं। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि IIT कानपुर की एक रिसर्च में ये सामने आया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पल्यूट करते हैं। तो आखिर IIT कानपुर के रिसर्चर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, बड़ी गजब की जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। दरअसल पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलती हैं एग्जॉस्ट गैसेस, जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं, और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसी कोई भी एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकलती, इसलिए हमको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ हैं। लेकिन IIT कानपुर की रिसर्च ये कहती है कि जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम बिजली से चार्ज करते हैं, उस बिजली का 40% हिस्सा आज भी दुनिया में कोयले से बनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पड़ने वाली बैटरीज के प्रोडक्शन में भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और अगर कार के पूरे लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तरह डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को काफ़ी पल्यूट करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरी सच्चाई के बारे में जान सकें।